नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 का जो का इंग्लिश का सब पेपर होने वाला है, इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन, ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको क्लास 12 के इंग्लिश पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों ऐसे ही पेपर आपको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं इस पेपर के बारे में। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ये आपका सामने इस प्रकार से आने वाला है। सेक्शन ये के देखिएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिएगा यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, द सन मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग आर द थिंग्स दैट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सन यानी यहाँ पर देखो यानी कि सूर्य, चांद एंड चंद्रमा, पेड़, ओल्ड एंड बुढ़े और जवान आर द थिंग्स दैट, यानी ये सभी क्या है, चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें देखो जो कि हमें डिफ्रेस करती है, नहीं डिफ्रेस कैसे करेगी, रिमूव द पॉल ऑफ ग्लूम फ्रॉम अवर लिव्स, यानी ये क्या करती है दोस्तों हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो भी यानी उदासी के पल होते हैं उनको क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो हमारा जो आंसर है ये वाला भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन अर्थ अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इज रेफरेंस टू, यानी दोस्तों यहाँ पर इन ह्यूमन डेट मतलब अमानवीय अभाव है ना, वो जो है कवि के अनुसार किसके संदर्भ में कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर है ये वाला होगा सी। देखो लैक और शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द गुड वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर अच्छी जो भी वैल्यू है उसकी कमी के बारे में बताया गया है, ह्यूमन बींग के बारे, मानवों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको क्लास 12 का पेपर डाउनलोड करना है इंग्लिश सब्जेक्ट का तो कुछ भी नहीं करना है, गूगल ओपन करना है, गूगल के अंदर यहाँ पर सर्च करना है rnstudymasala.com। क्या सर्च करना है, rnstudymasala.com। ठीक है, जिसकी लिंक आपको मिल रही है डिस्क्रिप्शन में। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है पेपर आपके सामने आ जाएगा, RBSE क्वेश्चन पेपर। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है 12th क्लास को आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देखो यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर जो है क्लास 12 के जो है इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी, सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ये सर्च करना है rnstudymasala.com, जहाँ से पूरा पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी चिवालरी का मतलब क्या होगा, यानी कि चिवालरिक का मतलब क्या होगा, ये आपके सामने सब दे रखा है। चिवालरिक इसका मीनिंग क्या है, तो देखो इसका मतलब चिवालरी का अगर मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब देखो मतलब होता है पराक्रमी। क्या होता है, पराक्रमी होते हैं ना, शूरवीर, पराक्रमी या फिर शूरवीर दोस्तों आपने पता होगा। तो इसका जो आंसर देखो फ्यूरियस, यानी फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, जो ये वर्ड दे रखा है फ्यूरियस, इसका मतलब होगा नहीं, इसका मतलब होता है क्रूर। क्या होता है, क्रूर, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फियरलेस मतलब जो फियरलेस, जो मतलब डरपोक नहीं होता, निडर होता है। अगला देखो, कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रेस्पेक्ट, यानी वो अपना जो है मांग करता है, कमांड का आदेश देता है, और यहाँ पर जो डिमांड करता है, मांग करता है हाई रेस्पेक्ट, यानी उच्च जो है उच्च आदर का मान, ये हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, व्हाट आर टाइगर्स गिवन द नेम आंट जेनेफेट टाइगर्स, यहाँ पर जो नाम बताना है किसका नाम दिया गया था, किसने दिया था और क्यों दिया था। ठीक है भाई, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, बिकॉज सी क्रिएटेड हिम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर्स, यानी उसकी जो अपनी जो अंतरात्मक जो फीलिंग थी उसके बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में बताया, ऑप्शन ए आंसर होगा। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोइट और स्पीकर टूवर्ड आंट जेनेफेट, यानी कि आंट जेनिफर के सामने उसका जो है अपना एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण कैसा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिंपथी, यानी कि सहानुभूति है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑन द नरेटर्स फेस, नरेटर के फेस के मतलब उसका जो हाव भाव कैसा दिख रहा था, तो देखिए उसका तो यहाँ पर था स्माइलिंग फेस, यानी बहुत ही मतलब स्माइल करता हुआ, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है, द नरेटर ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ, कहाँ पर देख रहा था वह दौड़कर, तो इसका जो आंसर है दोस्तों पार्क के अंदर। ठीक है चलिए, सॉरी पार्क नहीं, यहाँ पर होगा डियर होम्स, उसके घर है ना। चलिए दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। द मोटर द मदर ऑफ द पोइटेस वास, अपनी जो मदर के बारे में कौन थी दोस्तों, पोइट की मदर के बारे में, इनकी पोइटेस की जो कवित्र थी ना उसके बारे में दोस्तों, इसका जो होगा डॉजिंग ऑफ। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो, थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन द पोइट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस द प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, यानी दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर दोस्तों होगा सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा,
दियर वर्ल्ड विल एक्सटेंड टू द गोल्डन स्टैंड एज वेल एज द ग्रीन फील्ड्स। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा एजोरे वेव्स। नेक्स्ट, दे आर सिम्बॉलिक ऑफ द जॉय एंड द ब्राइटनेस ऑफ लाइफ विच वॉज सॉरी विच दिस चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ। किसके बारे में आपको बताया गया है? आंसर देखिए सिप इन जार्ज सन एंड लव, ये हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट, द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टैनले। इसके बारे में जो है पेडलर का कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, पेडलर सवाल बनता ही दोस्तों, बिकॉज सी यानी तो पेडलर साइन के था खुद के खिलाफ एज कैप्टन यानी कैप्टन वॉन स्टैनले जो इसके बारे में बताएगा ना यहाँ पर जो आंसर होगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मीट एडलास एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम बींग एन आर्मी मैन, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, यहाँ पर कंबाइन करना। देखो कैलाश वॉज बॉर्न इन जोधपुर, ही ब्रॉट अप हिज डॉटर। दोस्तों यहाँ पर जो कैलाश वॉज बॉर्न इन जोधपुर वेयर ही ब्रॉट अप हिज सिस्टर, तो यहाँ पर जो वेयर लगा देंगे ठीक है। चलिए, सी रीच्ड हर होम इट वॉज अराउंड 12 o'clock। यहाँ पर देखो सी यहाँ पर देखो 12 बजे पहुँची, इसके में क्या बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर देखो इसका आंसर होगा यानी यहाँ पर लिखेंगे इट वॉज अराउंड 12 o'clock वैन ही सी, यानी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इट वॉज 12 o'clock वैन इट वॉज 12 o'clock वैन सी रीच्ड हर होम, जब ये 12 बजे हुए थे जब अपनी घर पहुँची ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। दे डिड नॉट गेट दियर राइट्स, उसने वे अपने अपने जो अधिकार है उन्होंने प्राप्त नहीं किए, तब भी वे क्या करें उनको सपोर्ट करें, तो यहाँ पर टेल आ जाएगा येट आ जाएगा ठीक है। द मैन अथॉरिटी विल रेज इट्स वॉइस दियर फाइट्स विल नॉट बी सर्व्ड, तो यहाँ पर दोस्तों भर देंगे सो दैट। नेक्स्ट, आई विल फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा है ऑल द टास्क एज पर दियर रिक्वायरमेंट्स, तो मैं जो सारे टास्क को कंप्लीट करूँगा आई विल कैरी इन कैरी ऑन, इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए, रॉन्ग स्टेटमेंट्स वर इन द रॉड्स, यहाँ जो है पुट फॉरवर्ड हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टी मेंबर्स हैव बीन इन्वाइटेड फॉर द, यानी इन्वाइट करना इन्वाइटेड टू या आएगा दोस्तों, यहाँ पर इन्वाइटेड फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर इन्वाइटेड टू लगा देंगे ठीक है। चलिए, दे फिनिश द टास्क दियर टीम, तो यहाँ अपनी टीम के बारे में ना कोई समय होता तो यहाँ पर बिफोर लगा, तो यहाँ पर टास्क विद आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों विद आ जाएगा। नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन, पैसेज को पढ़ना है, इस पैसेज को देख लीजिएगा, इस पैसेज को पहले पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जो है पैसेज को पढ़ना, जैसे कैन यू इमेजिन ए कॉलेज विदाउट फॉल्स, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो एक कॉलेज जो कि बिना भीतों के हो, बिना दीवारों के हो, प्रोफेसर और क्लासरूम्स, एजुकेटर बंकर्स रन कैन सो रॉय कैन मोर देन 14,000 एगो, यहाँ पर जो रॉय के बारे में बताया गया। इस पैसेज को भली भांति अच्छी प्रकार से पहले पढ़ लें, उसके बाद में क्वेश्चंस करें ठीक है। यहाँ पर देखो पैसेज, उसके बाद देखो पांचों क्वेश्चन ये भी पैसेज का देर का है, अनसीन पैसेज है, इसको पहले रीड कर लीजिएगा ठीक है। इसका PDF उसको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, PDF से डाउनलोड कर लेना। आगे बात करें देखो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन देखो सेक्शन से आता है, क्वेश्चन पूछे गए व्हाट वाज द ओल्ड गार्डनर्स रिएक्शन व्हेन हर डॉक्टर, ये देखो सदा वो गेव सेटलर टू द एनिमी सोल्जर, इसके बारे में बताया गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप किताब से रीड करें। और ये गांधी जी वाला इंडिगो वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद जरूर करें। जेनिफर टाइगर्स के बारे में बताया गया, सेक्शन सी मैथ वाला सवाल पूछा, फ्रेंच लैंग्वेज जो के बारे में बताया, मिस्टर एमल के बारे में, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ द एस्केप्स फॉर चार्ल्स वाई। और ये देखो 23 सेक्शन दिया था, यहाँ पर जो है यू आर विक्रम ए सोनिया एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम द US एंड लुकिंग फॉर ए सूटेबल जॉब इन द IT इंडस्ट्री, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन वाटरमूर, यानी कि 80 शब्दों के अंदर आपको जो है इसका एडवर्टाइजमेंट लिखना है। आगे देखो यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर बर्थडे ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर ड्यूरिंग द समर वैकेशन, रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन एक्सेप्टिंग इट्स अ फैमिली, यानी कि यहाँ पर जो है एक क्या करना है, इन्वाइट किया जा रहा है आपको, इसमें जो है एक क्या लिखना है दोस्तों आपको, यहाँ पर आपको इन्वाइट करना है, इफ योर समर वेकेशन रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन, यानी जो इन्विटेशन है उसको एक्सेप्ट करना है। देखो अगला 24 क्वेश्चन है, राइट रिपोर्ट इन अबाउट 125 words ऑन द इश्यू ऑफ से नो पॉलीथीन बैग्स, यानी कि कुछ यानी पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज कैंपेन वॉज हेल्ड इन योर सिटी टू स्टॉप द यूज ऑफ दिस हार्मफुल थिंग इन अवर लाइफ, इसके जो स्टॉप करने के बारे में अपनी सोसाइटी के बारे में बताना है ठीक है। या फिर दोस्तों ये वाला कर सकते हैं ठीक है, ट्रांसलेट द पैसेज इन टू हिंदी, गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज इन हिज स्टूडेंट लाइफ, एज सून एज द स्कूल
यूज्ड टू रिवर ही यूज टू गो होम एंड सर्व हिज फादर ऑन सैटरडे इट वॉज मॉर्निंग स्कूल। तो ये सारे पैसेज को ट्रांसलेट कर लेना। अगला देखो, राइट ए लेटर एज एज अ प्रिंसिपल टू द हेड ऑफ द पॉलिस अपार्टमेंट ऑफ योर सिक्स डिस्ट्रिक्ट टू कंप्लेन अबाउट अ वाइन शॉप नियर योर स्कूल बिल्डिंग। अपने जो स्कूल की बिल्डिंग, जो शराब की दुकान है, उसके बारे में बताया गया। फिर रत वाला ये वाला सवाल दे रहा है, यू आर द मैनेजर ऑफ योर कंपनी पायल इंडस्ट्रीज, राइट ए लेटर टू कनक एंड सन्स टू रिक्वेस्ट देम टू मेक द आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ 40,000 फॉर द लास्ट ट्रांजेक्शन। दोस्तों ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम के लिए दृष्टि से। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में बात की क्लास 12th इंग्लिश के पेपर के बारे में। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आज के इस पेपर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।